अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 18, सॉरी 19। आज के इस लेसन में हम देखेंगे, लेसन नंबर 19 में आज हम देखेंगे हाउ टू एंसर डू नॉट कमांड। डू नॉट कमांड क्या होती है, उसे किस तरह एंसर करते हैं, डायमीटर किस तरह देते हैं डू नॉट कमांड या शेप को, डू नॉट कमांड का मकसद क्या है और पर्पज ऑफ फिल कमांड एंड डू नॉट शेप, और डू नॉट शेप में फिल का क्या फंक्शन है, आप फिल किस लिए यूज करते हैं। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। डू नॉट कमांड आपको होम में जाते हैं, देखते हैं ड्रॉ बार में डू नॉट कमांड है भी कि नहीं। तो आपको यहाँ पे कमांड एक नजर आ रही होगी, इसको कहते हैं डू नॉट कमांड। और इसके अलावा ड्रॉ मेन्यू बार में जाए, यहाँ पे भी आपको एक डू नॉट कमांड नजर आ रही होगी, और इसकी शॉर्ट कमांड है डू नॉट की, डी ओ एंटर करेंगे तो आपको डू नॉट कमांड अप्लाई हो जाएगी। कह रहा है कि स्पेसिफाई, अब देखें मैं पहले क्लिक करता हूँ स्पेसिफाई, दूसरा भी स्पेसिफाई करता हूँ तो ये बस एक डू नॉट कमांड अप्लाई होगी। अब स्पेसिफिक मेयरिंग यूनिट के थ्रू आप इसको देना चाह रहे हैं। इसके दो पॉइंट्स होते हैं, एक इंटर शेप होती है और एक आउटर शेप होती है। डी एंटर करता हूँ, कह रहा है स्पेसिफाई इनसाइड डायमीटर, इनसाइड डायमीटर आपने देना है तो मैं यहाँ पे जब क्लिक करता हूँ, क्लिक करके तो मैं इसको मूव करके यहाँ तक ले आता हूँ, ये इनसाइड डायमीटर आ गया। कह रहा है स्पेसिफाई आउटसाइड डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर यहाँ से भी क्लिक करके इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ तो ये इनसाइड और आउटसाइड डायमीटर भी हमारे पास, देखें एक डोनट शेप बन गई है। अब इसको आपने एक्यूरेट आपने इसको साइज देना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डी ओ एंटर करें, स्पेसिफाई इनसाइड डायमीटर, इनसाइड डायमीटर में 2 फुट देता हूँ, आउटसाइड डायमीटर जो है वो मैं इसको देता हूँ जी 6 फिट। देखें ज़रा डोनट शेप बन गई, देख सकते हैं आप। स्टूडेंट शेप में और क्या क्या ऑप्शन यूज होते हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। डोनट शेप, अब डोनट शेप में क्या है, स्पेसिफाई इनसाइड डायमीटर ऑफ डोनट 1 फुट एंटर, स्पेसिफाई आउटसाइड डायमीटर ऑफ डोनट 5 फिट एंटर, और उसके अलावा डू नॉट स्पेसिफाई सेंटर है क्लिक करें तो हमारे पास ये डू नॉट शेप इंसर्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। ये जी डू नॉट शेप और डू नॉट शेप हमने इंसर्ट कर ली। इस डू नॉट शेप में आप देखते हैं कि फिल का एक ऑप्शन भी यूज होता है, वो कहाँ पे ऑप्शन, ओके तो इसके इसके जो फिल होती है इसका फंक्शन क्या होता है और हम फिल को रिमूव किस तरह करते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आप एल एंटर करें, ज़रा देखते हैं, मैं हम यहाँ से एल एंटर करता हूँ सेंटर से, इसमें ज़रा इसके अंदर जब जो ही आप मूव करते हैं देखें यहाँ पे इसके अंदर ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये हैच किया हुआ है, इसका कलर फिल किया हुआ है, हैच किया हुआ है। अब देखेंगे जो बस लाइन है, लाइन यहाँ से हमें यहाँ से नज़र आ रही है लेकिन इसकी बैक साइड पे जा रही है, लेकिन हमने तो उसके फ्रंट पे इसकी लाइन दी थी, तो ये मतलब इसमें हैचिंग कमांड अप्लाई की हुई है। उस हैचिंग कमांड को ख़त्म करने के लिए आप एक कमांड यूज़ करेंगे FILL, एंटर करेंगे आप, ये फेल हमारे पास ऑन है इसको आपने ऑफ़ करना है तो ऑफ़ करने के लिए आप ओ एंटर करें या OFF लिखें और एंटर कर दें ऑफ़। अब जब मैं इसको डू नॉट कमांड, अब जब मैं डू नॉट अप्लाई करूंगा इनसाइड डायमीटर में देता हूं 2, आउटसाइड देता हूं 6, अब जब मैं डू नॉट कमांड अप्लाई कर रहा हूं तो देखें इसमें कलर नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें लाइन दी हुई है और कलर इसका खत्म हो गया, ये ब्लॉक बना हुआ है और इसका कलर अंदर वाला जो व्हाइट कलर था वो खत्म हो गया, आप देख सकते हैं। तो ये डू नॉट कमांड में आप कलर फिल किस तरह करते हैं, कलर को ख़त्म किस तरह करते हैं, तो ये इसका मेथड है फिल कमांड के थ्रू।
दोबारा आप इसमें कलर फिल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप दोबारा फिल कमांड लिखेंगे, FILL एंटर, और इसको ऑन कर दें। अब डू नॉट कमांड अप्लाई करें। देखिए ज़रा, वापस दोबारा इसमें अप्लाई हो गया डू नॉट कमांड। तो ये था जो बस डू नॉट और डू नॉट के फ़ायदे, और उसमें आप कलर किस तरह फिल करते हैं, कलर को रिमूव किस तरह करते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इन ट्यूटोरियल्स को बार बार देखें, बार बार इन पर प्रैक्टिस करें। आप अपने पास एक नोटबुक लें और उस नोटबुक पे आप लिखें जो जो आपको कमांड्स अप्लाई में करना सिखा रहा हूँ, और जो जो कमांड्स हैं आप उनको साथ पास लिखें ताकि आपको आसानी से वो याद रहें। चलो नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।